प्रसन्नता में परिणित कर दे। तो यही कार्य माता सती ने, माता भवानी ने किया। जिज्ञासा के रूप में उन्होंने यहाँ पर जो विविध उपक्रम किए, वो सारे उपक्रम भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। आज जब भगवान स्वयं आकाशवाणी के माध्यम से प्रकट होकर कहने लगे, वाह भोलेनाथ आपकी जय हो, आपने इतनी सी बात के लिए माता सती का परित्याग कर दिया, मुझसे इतना प्रेम आपने व्यक्त किया, प्रभु आपके जैसा कोई नहीं। तब सज्जनों ये बात माता सती अब समझ गई, निश्चित रूप से मैंने स्वामी से झूठ बोला, और जानकी जी का रूप धारण करके परीक्षा ली, स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया। बड़ी गिलानी हुई, लेकिन उनको उदास देखकर, खिन्न मना देखकर भोले बाबा ने फिर उनको कुछ हरि कथा सुनाई। और मार्ग में जाते हुए हरि कथाएं सुनते सुनाते हुए भोले बाबा जब कैलाश पर पहुंचे, वर्णत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। कैलाश पर पहुंचकर शंकर सहज स्वरूप सवारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अपने स्वरूप को संवारा, संकल्प को याद किया, और वहीं अखंड समाधि लगाई। बोले बाबा उनकी समाधि में और भी ज्यादा शक्ति व्याकुल शोक से युक्त हो गई। सोचने लगी कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, मैंने स्वामी से झूठ बोला, राम जी का अपराध किया। हे परमात्मा, हे प्रभु, हे राम जी, अब तो मेरा ये शरीर जल्दी ही छूट जाए, जिससे मुझे इस विपत्ति से जल्द छुटकारा मिल जाए। दक्ष सुता सती इतनी दुखी है मानो भावो, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसीलिए राम जी ने उनकी सुनी, और कैसे सुनी सज्जनों, यहां पर वर्णन आता है, वीते सम्मद सहस सतासी तजी समाधि शंभु अभी नाशी, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने हूँ सती जगत पति जागे, जाई शंभु पद वंदन की आसन दीना, आसन दीना, आसन दीना। सरे गा पग पद पद स स स, सरे गा पग पद पद स स स, सरे गा पग पद पद स स स, दद स स रे रे स स, दद स स पद पद दद गग पप रे रे गा, सन मुख शंकर आसन दीना, सन आसन दीना, आसन दीना। 87,000 वर्ष बीत जाने पर महादेव की समाधि खुली, उठते ही राम नाम का जाप करने लगे। मानो एक संकेत, क्या सार है इस बात का, मानो उन्होंने पूरी तपस्या का, पूरी साधना का सार ही श्री राम नाम में पा लिया है। एक और दूसरा, श्री राम नाम पूरी साधना को विश्राम देने का स्थल, राम विश्राम। और इस प्रकार बोले बाबा तो जब साधना से उठते पाया राम नाम सुनकर, तो माता सती समझ गई और सामने जाकर उनका वंदन किया, जाय समूह पद वंदन की ना। पर बोले बाबा क्योंकि उनका परित्याग कर चुके हैं, इसलिए क्योंकि बाम भाग में बैठने का अधिकार होता है किसी पतिव्रत नारी का, कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो बाएं भाग में ही बिठाना चाहिए, लेकिन त्याग कर चुके हैं, इसलिए भोले बाबा ने अपने सामने बैठने का, अपने सन्मुख बैठने का आसन लिया। यहाँ पर पुनः माता भवानी समझ गई कि भोलेनाथ ने त्याग कर रखा है। और जब उनको उदास देखा तो पुनः कुछ हरी कथाएं कहीं। उसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया, जिसका उसे घमंड हुआ, और उसी अभिमान के कारण उसने सबको बुलाया एक विशाल यज्ञ के आयोजन में, लेकिन भोलेनाथ और सती को नहीं बुलाया। सारे यज्ञों का सिद्धिकरण, सार्थककरण जिस एक विश्वास तत्व के कारण होता है, उस विश्वास तत्व को ही नहीं बुलाया। भगवान जाने कौन सा यज्ञ करना चाहता था दक्ष। सज्जनों तब दक्ष के यज्ञ में बड़े बड़े विमान सजा सजा करके देवता जा रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं, कैलाश पर्वत के ऊपर से। अच्छा भैया, कुछ लोगों की बड़ी बुरी आदत होती है, कैसी, कि जिसे नहीं बुलाया जाता ना उसे दिखा दिखा के जाते हैं, है ना। देखो हम बस वहीं जा रहे थे, सोचा आपसे भी मिलते चले, आपको भी साथ में लेते चले, आपको भी बुलाया होगा, है ना। आप कहोगे नहीं महाराज, हमें तो कोई लिफाफा नहीं दिया, ना फोन पे कोई बात कही कि आना आप,
अरे आपको नहीं बुलाया, कितना बुरा किया। अरे अब तो हमको भी बहुत बुरा लगा, आपको तो बुलाना चाहिए था, अब आप कहो तो हम भी ना जाएं, बहुत बुरा लगा हमें। तो आप कहोगे नहीं नहीं भैया, आप हमारे चक्कर में क्यों अपना संबंध बिगाड़ रहे हो। अरे नहीं नहीं हमें तो बहुत बुरा लगा, आपने आपको क्यों नहीं बुलाया। चल अच्छा चलो, आप इतना कह ही रहे हो तो हम अब चले ही जाते हैं। ऐसे बातों चुपड़ी चुपड़ी बातें करके और फिर चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। ये देवता लोग भी इन्हीं कैटेगरी में, क्या दिखा दिखा कर जाने, सती भी लोके बेमान आ जाते चले सुंदर विधि नाना। अच्छा एक बार माताओं से मैं पूछना चाहूंगा, माताओं आप लोगों को मेरी बात तो, मेरी जो शब्द है, मेरी आवाज तो बराबर आ रही है ना, बराबर आ रही है, दूर तक कोई बाधा तो नहीं है बीच में। चलिए बिल्कुल, आप लोगों को कोई भी अगर अवरोध लगे कि कोई आवाज ठीक से नहीं आ रही हो तो बिल्कुल आप मुझे संकेत कीजिएगा, कथा में बिल्कुल आपका मन लगना चाहिए। क्योंकि जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि हमारी माताएं भक्ति का स्वरूप होती हैं, भक्ति का स्वरूप, और भक्ति भक्ति सुतौ तो तरुणो गहित बा प्रेमिक रूपा सहसा विरासी, ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के पुत्र कहे जाते हैं। इसलिए जहां पर भक्ति यानी हमारी माताएं स्वयं आ गई और ध्यान से कथा का आनंद ले रही हो, वहां पर भक्ति देवी स्वयं नृत्य करती नजर आती है। यही बात कही गई भगवत जी पद्म पुराण के श्लोक में, वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। जहां ऐसी कथा के प्रति परायणता हो, हमारी माताओं का ऐसा सुंदर भाव हो, ऐसा उपस्थितिकरण हो, जैसा कि हम सब देख रहे हैं सज्जनों से सबसे अधिक संख्या में हमारी माताएं, और हमारे रामलला की कथा का यही स्वभाव रहता है, अपने रामलला जी का मैं कहूं तो अधिकतर कथाओं में, लगभग सभी कथाओं में माताओं की संख्या सज्जनों से दुगनी ही होती है, जैसा मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आप लोग पूर्ण उत्साह के साथ सुनिएगा। आगे माता सती ने देखकर पूछा, प्रभु ये कहाँ जा रहे हैं। भोलेनाथ बताते हैं, पिता ने यज्ञ का आयोजन रखा है, सब वहीं जा रहे हैं। पूछे उसे तब कहो बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु अरसानी, नहीं कछु अस जन्मा जग, कोई अस जन्मा जगमाई, प्रभुता पाई जाई मत नाई। गोस्वामी जी तो यहाँ तक कह देते हैं संसार में कोई ऐसा जन्मा ही नहीं जो प्रभुता पाले और उसको मद ना आए। यही परिणाम देखने को मिला है दक्ष के अंदर। लेकिन सती जब पूछती है, सोचती है कि क्यों ना मैं थोड़ी दिन महादेव से थोड़ी दूर चली जाऊं, गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और फिर पिता के घर बड़ी दिनों से नहीं गई, तो सोचती है और कहती है, स्वामी आप कहो तो क्या मैं कुछ दिन अपने पिता के घर जाकर रहूं। अच्छा हमारी कई माताएं ऐसी गलती करती हैं, माताएं ध्यान से सुने क्या करती हैं, कोई भी घर में कलह होता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, चाहे पति से हो चाहे किसी और से हो, तो पकड़ी मोटर गाड़ी, कोई भी गाड़ी, टैक्सी ऑटो, और पहुंच गई अपनी मायके, बस यही एक नतीजा नजर आता होगा। जबकि ये तो उल्टा कर दिया आपने, किसी भी समस्या का समाधान उससे भागना नहीं होता, उसका सामना करने से होता है। और जब आप, और खासकर जब आप पति के घर में हैं, तो आपका तो पूरा संसार ही पति है, मायका दूसरा घर है, पहला घर आपका ससुराल ही है। इसलिए पत्नी का कर्तव्य है वो उस वक्त वहीं बनी रहे, घर जाना है तो दो चार दिन बाद चले जाना, लेकिन उस समय मत जाना, उस समय रहो, शांत मन से सोचो विचार करो और फिर उसका कोई निर्णय करो, तो सारे संसार के समस्याओं का समाधान आपकी हाथों में होगा, आपकी मुट्ठी में होगा। लेकिन इस मर्यादा का ध्यान हमारी माताओं को अवश्य रखना चाहिए। भोले बाबा इस प्रसंग से हमें देखिए, माता सती ने कहा क्या मैं जाकर रहूं, तो भोले बाबा ने कहा यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गे हा जाए बिलु बोले उना संदेहा, यदि भी पिता मित्र गुरु स्वामी के घर बिना बुलाए भी जाओ तो कोई दोष नहीं, कभी जाओ कोई दोष नहीं, पर तदपि विरोध मान जहे कोई तहां गए कल्याण न होई। जब जहां कोई अपना विरोध मानता हो, मेरी समझ में ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन लागिना उर उपदेश, बहुत समझाने पर भी जब सती नहीं मानी तो आखिरकार भोले बाबा ने उनको अपने कुछ मुख्य गणों के साथ करके विदा कर दिया हरि माया जानकर, और सरे उनके वस्त्र उनके साथ भेज दिए, आभूषण साथ भेज दिए, क्योंकि वे जानते हैं अब इन्हें लौट कर तो आना नहीं इस रूप में।
अब सती जाती है पिता के घर और वहां कैसा वातावरण बनता है, आइए हम सभी दर्शन करते हैं। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, नक्षत्र से पुनः सम्मानी, नक्षत्र से पुनः सम्मानी, सादर बलगी सागर भरे मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुझसे आता, भगनी मिली बहुत मुझसे आता, सती जाई दे हूँ तब जागा, सती जाई दे और जब माता सती ने पिता के घर पहुंचकर जाना क्या कि पिता के डर के मारे किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया, केवल माता ही प्रेम पूर्वक मिली जो हमेशा अपनी संतानों के लिए सम रहती है, सदैव बात्सल्य देती है। लेकिन बहनें तो मुस्कुराती हुई मिली, मजाक उड़ाती हुई मिली, क्या कहती हुई मिली, देखो सखियों देखो बुनाए बुलाए के मेहमान आ गए, अतिथि आ गए। तो उन्होंने उस बात का बुरा नहीं माना, पर सती जाई देखा तब जागा कतौ न दीख सम्मुकर भागा। जब यज्ञशाला में नजर डाली तो एक छोटे से छोटे देवता का भी स्थान है पर मेरे भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं, यह देखकर सती को बहुत गिलानी हुई। सज्जनों इतना दुख तो पति के त्यागने पर नहीं हुआ जितना पति के अपमान के कारण हुआ। माता सती का हृदय क्रोध से दग्ध हो गया, जल उठा। माता ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं मानी और भरी सभा में क्रोध भरे वचन बोली। क्या बोली, रे सभासदो ध्यान से सुनो, जिन्होंने मेरे पति शिव जी की निंदा की है और जिस निंदा में मेरे पिता भी शामिल हैं, किंतु मेरा यह शरीर दक्ष के वीर्य से उत्पन्न हुआ है और आज अब मैं इस शिव द्रोही शरीर को नहीं रख सकती, ऐसा कहकर उन्होंने योग अग्नि के माध्यम से अपने शरीर को जलाकर योग अग्नि में भस्मीभूत कर दिया, भस्म कर दिया। और जैसे ये शरीर भस्म हुआ सब तरफ हाहाकार मच गया। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दस का गुना तन्मा, दस से का गुना तन्मानी, अस कहि योग अग्नि तनु जारा, अस कहि योग अग्नि तनु जारा, भय हूँ सकल मक हाहाकारा, भय हूँ सकल मक हाहाकारा। और माता सती के शरीर को त्यागते ही सब पर हाहाकार मच गया। शिव गणों ने तुरंत रुद्र गणों ने जाकर यज्ञ विध्वंस कर दिया। तभी जो दक्ष के साथी संगी जो संत भी थे मौजूद वहां पर, उन्होंने उनका विरोध किया, उनका बुरा किया, अपकार किया। उस समय भोलेनाथ को ये खबर लगी तो उन्होंने जटाएं उठा करके पटक दी और उन जटाओं में से वीरभद्र उत्पन्न हुआ। वीरभद्र ने भृगु वहां पर पहुंच करके और जितने भी जो अपराधी थे उन सबको यथोचित दंड दिया, उचित दंड दिया। और दक्ष की वही गति हुई जो आजकल की सब द्रोहियों की हुआ करती, भय जगत विधि दक्ष गति सोई, जस को जो शंभु विमुख कहे हो। इस कथा को सारा संसार जानता। तुलसीदास जी ने कहा कि इसलिए मैंने इस कथा को संक्षेप में कहा और आगे माता सती ने अपने इस शरीर को त्यागते त्यागते अंत समय में ये वरदान मांग लिया कि मेरा जन्म जन्मांतरों तक केवल भोलेनाथ के चरणों से ही प्रेम बना रहे। सती मरत हरि सन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।
और बस फिर क्या।